हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे खासे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट के टाइप्स के बारे में, जो कि मेरा कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने जाना कार्टिशियन के बारे में, जिसको हम लोगों ने कार्टिशियन के डिफिनेशन के माध्यम से जाना। फिर हम लोगों ने उस पर ग्राफ के माध्यम से भी जाना और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कार्टिशियन के टाइप्स के बारे में। कार्टिशियन के दो टाइप्स हुए थे, कौन कौन थे? तो वो थे मेरे, फर्स्ट था मेरा एब्सोल्यूट, सेकंड था मेरा रिलेटिव। तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट के बारे में कवर कर लिया था, एब्सोल्यूट के बारे में डिफिनेशन से जाना था। फिर एब्सोल्यूट पे हम लोगों ने ग्राफ लिया और उस पर एक ड्राइंग भी लेके हम लोगों ने ऑटोकैड में किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप सिंपली वहाँ से देख लेना। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कार्टिशियन के सेकंड टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है रिलेटिव कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर इस पर हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे रिलेटिव कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोग इस पर एक ड्रॉइंग लेंगे और उसको ऑटो कैड में करेंगे। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग आज कौन सा ड्राइंग करेंगे। आपके डिस्प्ले के ऊपर कुछ शो हो रहा है, तो आज हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करेंगे ऑटो कैड में। आई थिंक ये फिगर आप लोगों को आज थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पिछली फिगर के मुकाबले, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो इस ड्राइंग को आप खो बैठोगे। तो आप लोग को याद रखना है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है और कंप्लीट देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सभी फ्रेंड में शेयर करो, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूँ, तो आप सभी को शेयर जरूर करके बताओ। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी लोग अगर हमारे इस TDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलो, क्योंकि इस पर टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आने वाली है। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो आने में बहुत ही लेट हो गई है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था, फैमिली में सबका तबीयत खराब चल रहा था, ठीक है, तो उसमें मैं लगा हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। 1 से 1.5 महीने मेरा बहुत ही टाइम खराब गया है, तो मैं ऊपर वाला से चाहूँगा कि आप लोगों के साथ वो टाइम ना आए कभी, यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इसलिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क ज़रूर पहने और सैनिटाइज करते रहे हमेशा। अभी कोरोना वायरस थोड़ा कम हो चुका है, बट इसको आप लोग अभी भी मजाक में मत लेना, तीसरा लहर अभी आने वाला है, तो उसके लिए सावधान रहो, ठीक है, क्योंकि आप सावधान रहोगे तो सारा इंडिया सावधान रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो सभी फ्रेंड्स में। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, तो अगर आप TDP चैनल के सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हो तो ऊपर तो दिख ही रहा है फेसबुक पेज, इंस्टा पेज सभी का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली वहां से जाओ और ज्वाइन करो। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि TDP चैनल का व्हाट्सअप, अपना व्हाट्सअप नंबर भी आ चुका है, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर भी कनेक्ट हो सकते हो। तो सो गाइस, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटो कैड की दुनिया में। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेकंड टाइप्स के बारे में, जो कि मेरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, किसको कहते हैं, ये जानेंगे। फिर इस पे हम लोग ड्रॉइंग लेंगे और उस ड्रॉइंग को हम लोग ऑटो कैड में करेंगे। तो सो गाइस, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में कार्टिशियन कोऑर्डिनेट के दो टाइप्स के बारे में बताया था। फर्स्ट था मेरा एब्सोल्यूट, सेकंड था मेरा रिलेटिव। हम लोगों ने एब्सोल्यूट को कवर कर लिया है, आज हम लोग जानेंगे रिलेटिव के बारे में। तो रिलेटिव क्या होता है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, फिर इस पर हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, और ग्राफ के माध्यम से जब समझ लेंगे तो फिर हम लोग ड्रॉइंग लेके और उसको ऑटो कैड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफिनेशन मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज टेकन विथ रिस्पेक्ट इट्स प्रीवियस पॉइंट। तो आपको डिफिनेशन से ही पता चल रहा हो कि रिलेटिव क्या बोलना चाह रहा है। मैं एक और चीज आपको, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिलेटिव का जो यूज होगा हम लोगों का, वो हम लोग जो करेंगे
अभी जैसे मैं आपको आगे मैं बताऊंगा ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ में जो ये डिफिनीशन बोल रहा है उसके माध्यम से आपको ग्राफ में समझ में नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि रिलेटिव समझ में हम लोगों को कहाँ पे आएगी, तो वो समझ में आप लोगों को ड्रॉइंग में आएगी, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेट में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, तो 2D फ्रेम में हम लोगों को दो ही कोऑर्डिनेट दिखते हैं, 3D में जब जाएंगे तो मेरा जेड कोऑर्डिनेट भी शामिल हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट होंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होंगे, प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होंगे। अब चलिए हम लोग रिलेटिव के ग्राफ के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ के बारे में, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बी एड एट द रेट एट द स्टार्ट ऑफ सिंटेक्स। तो इस रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब कोई भी नंबर हम लोग टाइप करेंगे कीबोर्ड से, ऑटो कैड में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करेंगे, उससे पहले हम लोग एट द रेट जो होता है ना कीबोर्ड का, उसको लेंगे और उस पर टाइप करेंगे। तो एट द रेट, अब याद कर लो कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा जो सिंटेक्स होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एट द रेट लेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव में यूज कैसे करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को पक्का बाउंस हो रहा होगा कि सर ये क्या आपने किया, इधर का लाइन उधर कर लिया, इधर का लाइन उधर कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज अच्छे से आप लोग देखो, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम जो इंसान ना कर पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो चीज इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाओ, बस अंदर से हौसला जगाओ और हौसले के साथ आगे बढ़ो और लाइफ में सक्सेस बनो। चलिए बताता हूँ मैं आपको कि रिलेटिव का ग्राफ, रिलेटिव के ग्राफ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और इधर ये नीचे के तरफ जो होता है ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट, ये भी अच्छे से पता होगा। और आपको ये भी चीज पता होगा कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। तो ये चीज आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी जाना था अच्छे से, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो अब मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक सिंपली भाषा में बता दूं तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोई भी पॉइंट जो होगा, जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट का दो पॉइंट से, मतलब दो पॉइंट से एक लाइन तैयार होती है, ये तो चीज आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, वही मेरा रिलेटिव होता है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक मेरा ड्राइंग करते मैं छूट गया था, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्राइंग कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक्स का दो कोऑर्डिनेट लिया और वाई का दो कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, जो कि मैंने इसका नाम पी दे दिया। अब बात आती है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया जो कि मेरा है एक्स 4 है और वाई 5 है। तो अब बात आती है P से Q का डिस्टेंस निकालने का। तो P से Q का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताऊं, तो Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करना, ध्यान से समझना यहाँ पे। Q के कोऑर्डिनेट, Q का जो 4 और 5 कोऑर्डिनेट है ना, P के कोऑर्डिनेट 2 और 2 का दोनों, मतलब Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। तो मैं आपके सामने माइनस करके बताता हूँ, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4 है, 4 और 5 है, और P का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है और 2 है। अब इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं साइन है, तो हमेशा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे प्लस का साइन ऑलरेडी रहता है, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा कर दे देता हूँ, फिर यहाँ पे 2 है और 4 प्लस 4 है माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2.3। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू मेरा कितना आया, 2.3 आ गया। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि रिलेटिव में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो उसमें एट द रेट लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एट द रेट लिया, 2.3 ले लिया। तो ये मेरा हो गया P से Q का डिस्टेंस हो गया। अब ये तो बात हो गई हम लोगों का एक ही क्वाड्रेंट में दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का। अब मैं आपको बताऊं, तो अब बात आती है कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट का डिस्टेंस कैसे निकाले, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पहले से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट ले चुके हैं, 4 और 5 ले चुके हैं। अब मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 3, एक्स का 3 और वाई का -4 ले लिया। तो अब मैं आपको बताऊं, तो
यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका नाम आर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, क्यू से लेके आर का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्यू से आर का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आर कोऑर्डिनेट में से क्यू कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। डिफिनीशन में आप लोगों ने देखा था कि कोई भी पॉइंट जो होगा उसके उसके प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, -4, और यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, 4.5। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, अब माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है -1 और -9। तो ये मेरा हो गया आर का डिस्टेंस, मतलब क्यू से लेके आर का डिस्टेंस। अब बात आती है, अब उसी तरह सेम प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। तो आर से एस का डिस्टेंस हम लोगों को मान लीजिए निकालना है, तो आर से एस का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एस कोऑर्डिनेट में से आर कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, तो एस कोऑर्डिनेट कितना है, -5, -5 और -3, और इसका है 3 और -4। इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये हो गया मेरा 1, +4 में से -3 गया तो 1 हो गया, और ये माइनस माइनस तो -8 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ गया। मैंने आपको बताया कि रिलेटिव में एट द रेट लेना मस्ट है, ठीक है। अब फिर आती है एस से टी की डिस्टेंस निकालने के, यहाँ पे सबका मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो अब आपको लोग को अच्छे से पता होगा, टी कोऑर्डिनेट में से एस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। टी कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, -3, -4, और एस कोऑर्डिनेट कितना है, -5, -3, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये प्लस हो गया तो +5 में से -3 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.7 यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू भी आ चुका है। आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसका आगे वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसके आगे वाला कोऑर्डिनेट से पीछे वाला कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पूरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना, एक एक चीज मैंने अच्छे से बताया है, तो आप लोग फिर से एक बार देख लेना। जैसा कि हम लोगों ने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ के बारे में जाना, अब हम लोग रिलेटिव पे एक ड्राइंग लेते हैं और उसको ऑटो कैड में सिंपली तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक ड्राइंग दिख रहा होगा, तो आज हम लोग ये ड्राइंग ऑटो कैड में करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये ड्राइंग थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पिछली ड्राइंग के मुकाबले, तो आप लोग घबराओ नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और इसको कर डालते हैं। तो इधर आप लोगों को प्रोसीडर दिया हुआ है, हम लोग प्रोसीडर पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसीडर मेरा क्या है, तो ओपन ऑटो कैड एंड ओपन ए न्यू ड्राइंग। तो ये ऑलरेडी हम लोग का ओपन है, सेम प्रोसेस जो पिछली ड्राइंग में था वही प्रोसीडर इसमें भी है। सेकंड है मेरा सेट द नेसेसरी लिमिट एंड यूनिट, इसमें लिमिट और यूनिट का अभी सेट कुछ नहीं करना है, ठीक है, के बारे में मैंने आप लोगों को बोला है कि आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से फुल डिटेल में बताऊंगा। थर्ड स्टेप मेरा आता है तो टाइप एल कमांड, तो लाइन कमांड, एल का मतलब तो लाइन कमांड होता है। लाइन कमांड लेने से पहले हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली ड्राइंग में भी ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके फिर ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके हम लोगों ने सेट किया कार्टेशियन के एब्सोल्यूट को सेट किया था, उसी तरह आज फिर ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते और कार्टेशियन के रिलेटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाने के लिए क्या होगा, कमांड जो है वो मेरा ड्राफ्टिंग सेटिंग हो गया और उसका शॉर्टकट की हो गया डीएस। तो आपको कीबोर्ड का डीएस टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे डीएस टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कमांड में इंटर करने के लिए उसको इंटर या स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओपन हो चुका है ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट जो सेटिंग दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जैसा कि कोऑर्डिनेट के दो टाइप्स थे, पोलर और कार्टेशियन, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो कार्टेशियन के एब्सोल्यूट कवर हो चुका है, एब्सोल्यूट पे हम लोगों ने एक ड्राइंग भी किया। आज हम लोग कार्टेशियन के रिलेटिव पे जाएंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। अब मेरा हो गया ये, मेरा रिलेटिव में सिलेक्ट हो गया। अब
अब आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट होगा कि सर अगर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके अगर ये चीज़ ऑन नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके अगर रिलेटिव का ड्राइंग अगर आपने एब्सोल्यूट में किया तो वो ड्राइंग नहीं होगा, और अगर आपने एब्सोल्यूट का ड्राइंग अगर रिलेटिव में किया तो वो ड्राइंग नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे मोस्टली आपको जाके सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ड्राइंग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्राफ्टिंग सेटिंग सेट कर लिया है, अगले नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बोला है, टाइप एल कमांड। तो एल कमांड का मतलब तो मैंने आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लाइन होता है, तो इसका शॉर्टकट की एल टाइप करना है और उसको प्रेस कर देना है। तो हम लोग लाइन कमांड में एंट्री कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट टाइप 0.0, तो अब आप लोगों को टाइप करना है 0.0, तो कीबोर्ड का आप लोगों को 0.0 टाइप करना है। मैं यहाँ पे जीरो और कॉमा का जो साइन बना होता है उसको कर देना है, तो कॉमा का जैसे ही साइन बनाएंगे वहाँ पे लॉक हो गया और यहाँ पे जीरो कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखना, ये मेरा लाइन जो है ओरिजिन से उठ के आया है, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, पिछली ड्राइंग में भी नहीं दिख रहा था, मैं उसको जूम करके ऊपर लाया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड देखो यहाँ पे हो गया। तो ये मेरा ओरिजिन से लाइन उठ के आ रहा है। अब हम लोगों को स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्थो कमांड जो था मेरा ऑर्थो था, और उसका शॉर्टकट ही क्या था, F8। तो आपको कीबोर्ड का F8 प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा लाइन जो है एकदम स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का बोला जा रहा है स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट इन रिलेटिव मोड। रिलेटिव मोड में बोला जाए, देखो यहाँ पे रिलेटिव मोड लिख दिया, ठीक है, रिलेटिव मोड लाइक एट द रेट। अब बोला जा रहा है फर्स्ट एट द रेट, तो आपको कीबोर्ड का एट द रेट प्रेस करना है। तो एट द रेट कैसे आएगा, शिफ्ट और 2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एट द रेट आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख के भी आ गया यहाँ पे एट द रेट, ठीक है। अब एट द रेट ले लिए, अब क्या बोल रहा है 400 लेना है, तो आपको कीबोर्ड का टाइप करना है 400। यहाँ पे मैं 400 टाइप करता हूँ और फिर से कॉमा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा मैंने ले लिया, कॉमा जैसे ही लेंगे लॉक हो जाएगा, फिर है कॉमा के बाद जीरो, तो यहाँ पे जीरो टाइप कर देंगे और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखना मेरा ये मेरा ड्राइंग कहाँ उठा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 0.0 से उठ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप पर, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, तो स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 0.100। तो आपको अब फिर से टाइप करना है एट द रेट टाइप कर लिया और फिर से आप लोगों को टाइप करना है कितना बोला जा रहा है 0.100। तो यहाँ पे जीरो और फिर से कॉमा लेंगे, कॉमा ले लिया और 100 यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे जैसा ड्राइंग है उसी तरह ड्रॉ होगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर मेरा इधर भाग गया इधर भाग गया, आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और उसको ऑटोकैड में करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट -100 और 0। तो आप फिर से आप लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट 2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एट द रेट ले चुके हैं एट द रेट, अब कितना बोला जा रहा है माइनस में 100 चाहिए, तो माइनस यहाँ पे साइन लेंगे। तो माइनस साइन लेने के लिए आप लोगों को कीबोर्ड का जो भी माइनस साइन होगा वहाँ पे माइनस ले लेंगे, जैसा कि आप लोगों को वहाँ पे टाइप होकर दिख रहा होगा, और 100 यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने 100 टाइप कर दिया है, अब फिर से कॉमा लेंगे, फिर से कॉमा यहाँ पे जैसे ही कॉमा लेंगे लॉक हो जाएगा, और फिर कितना बोला जा रहा है 0 लेना है, तो यहाँ पे फिर से 0 लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसा ड्राइंग है उसी तरह ड्रॉ होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप बोला जा रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 100.100। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 100.100 लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100.100 लेता हूँ, पहले एट द रेट ले लेता हूँ, अब 100.100 यहाँ पे टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। देख सकते हो जिस तरह हम लोगों का एंगल भागा था उसी तरह एंगल जा रहा है, इधर राइट साइड के तरफ से देखना, ठीक है, राइट साइड के तरफ से जा रहे हैं हम लोग, जो भी स्टेप हम लोग का जा रहा है वो राइट साइड के तरफ से जा रहा है और लेफ्ट साइड में जाके मिल जाएगा। अभी देखना कंप्लीट वीडियो देखो, मजा आएगा ये सब चीज करने में, यार इतना मजा आता है ना, क्या बोलूं। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीज में सीखने का, तो मैंने सीखा और अच्छे से सीखा, तो आज मतलब आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर से बोला जा रहा है एट द रेट 0.200। तो आपको फिर से एट द रेट लेना है, शिफ्ट 2 एट द रेट कितना लेना है 0
200 और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट -100, 0। फिर से आप लोगों को एट द रेट लेना है, तो शिफ्ट टू और कितना लेना है तो -100, 0। तो -100, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं और 100, 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट -100, -100। तो फिर से हम लोग -100, -100 लेते हैं, तो फिर से एट द रेट ले लेते हैं -100, फिर से -100 ले लेते हैं यहाँ पे और इंटरप्रेस कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसा ड्रॉइंग था उसी तरह ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से जूम करके मैं बता देता हूँ, सॉरी एक मिनट। देख सकते हो यहाँ पे जैसा ड्रॉइंग है उसी तरह, राइट साइड से देखना, लेफ्ट साइड से अभी नहीं देखना, ठीक है। तो कुछ लोग लेफ्ट साइड से देख के बोलना गलत है, ठीक है, राइट साइड से देखना। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट -100, 100। तो अब आप लोगों को एट द रेट लेना है, शिफ्ट टू प्रेस करना है, -100 टाइप करना है और फिर से कॉमा लेना है, सॉरी पॉइंट ले लिया मैंने, कॉमा लेना है और 100 यहाँ पे ले लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। देख सकते हो सेम उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। फिर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अब बोला जा रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट -100, 0। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से एट द रेट लेना है, शिफ्ट टू और -100 लेना है, तो -100 ले लेता हूँ और कॉमा और कितना लेना है 0, 0 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इंटरफेस कर देता हूँ। देख सकते हो उसी तरह हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 0, -200। तो अब आप लोगों को फिर से टाइप करना है, शिफ्ट टू को प्रेस करना है, अब फिर से आप लोगों को क्या टाइप करना है, 0, तो 0 यहाँ पे टाइप किया, कॉमा ले लिया, कॉमा जैसे ही लेंगे लॉक हो जाएगा, फिर -200 लेंगे, -200 और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो मेरा 15 स्टेप, जो आप लोग स्टेप नंबर 15 जो है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेप में एट द रेट -100, -100, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप लोगों को होगा 100, -100 होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सुधार लेना, जो -100 है उसको माइनस को हटा के 100 कर देना, ठीक है, 100, -100 दोनों में माइनस नहीं होगा, एक ही में माइनस होगा जो कि मतलब राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले में माइनस में 100, -100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, टाइप करते हैं एट द रेट, शिफ्ट टू को प्रेस किया हम लोगों ने और 100 यहाँ पे ले लिया और कॉमा ले लिया यहाँ पे और फिर -100 यहाँ पे टाइप कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। देख सकते हो उसी तरह ड्राइंग हो रहा है। अब फिर से हम लोग को क्या बोला जा रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट -100, 0। तो अब हम लोग को फिर से लेना है, तो शिफ्ट टू और कितना लेना है तो -100, तो -100 टाइप करते हैं और फिर से कॉमा लेते हैं और 0 ले लेते हैं यहाँ पे और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग उसी तरह सेम ड्राइंग ड्रॉ हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट स्टेप बोला जा रहा है स्पेसिफाई सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन एंड स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट 0, -100। तो आपको फिर से टाइप करना है, शिफ्ट एट द रेट ले लेना है, पहले मैंने यहाँ पे एट द रेट ले लिया, अब आपको क्या करना है, 0, 0 टाइप करना है, कॉमा ले लेना है और फिर कितना टाइप करना है, -100 का टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है, -100 यहाँ पे जैसे ही टाइप किया और इंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो हम लोगों का ये ड्राइंग हो चुका है। अब इस लाइन कमांड का यूज खत्म हो गया है। अब लाइन कमांड से बाहर निकलने के लिए मैंने क्या बोला था, कोई भी कमांड से बाहर निकलने के लिए हम लोग कीबोर्ड का ESC जो बटन होता है उसको हम लोग एस्केप बटन कहते हैं, उसको प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग लाइन कमांड से बाहर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, दिखा देता हूँ अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देख सकते हो ये ड्राइंग और ये ड्राइंग जो है दोनों सेम टू सेम दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कैसा लगा ये ड्राइंग हम लोगों का, ये जो ड्राइंग हो गया, ये सेकंड ड्राइंग हो गया जो कि पिछले वाले ड्राइंग से थोड़ा सा हार्ड है। तो इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप, आई होप आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो सभी लोगों में शेयर करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग नॉन टेक है, नॉन टेक वाले, वो टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं,
खासकर ड्राइंग में, मतलब सिविल का ड्राइंग हो गया, बहुत लोगों को सिविल का ड्राइंग, हाउस डिजाइनिंग ये सब करने में बहुत मजा आता है, तो वो लोग भी मतलब अच्छे से वीडियो देखो और अच्छे से फाड़ दो वीडियो को, एकदम मस्त से देखो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेकंड टाइप्स के बारे में, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं।